वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 69 है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 एग्जामिनेशन के लिए। देखिए, दम तोड़ता एक समंदर इम्पॉर्टेंट है और यूपीएससी इससे पिछले साल प्रश्न कर चुकी है 2018 में। तो बेल आइकन को प्रेस करना फॉर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। न्यूज़ में बना हुआ है, इम्पॉर्टेंट है, इस बार भी पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड। तो चलिए, यहाँ हो रही भी है बात एरल सागर की, एरल सी की। तो समाचारों में दिख रहे एरल सागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है, तो मैंने बताया भी था इसका कोड है KU। यह है ऊपर कजाकिस्तान, नीचे है उज्बेकिस्तान, KU यहाँ पर है एरल सागर। करेक्ट है पहला। यह अपने कुल क्षेत्रफल का केवल 10% ही बचा है, तो पूरा सूख गया है इसका सारा का सारा पानी। अब इसमें बची है तो सिर्फ धूल, बालू और रेत, जिसके अंदर है नमक जो हानिकारक है पूर्वी जापान के लिए और पश्चिम में जितने यूरोप के देश हैं, क्योंकि हवा से ये उधर उस साइड भी उड़ रहा है और लेफ्ट साइड भी उड़ रहा है, और जिससे बीमारियां फैल रही है। यदि विश्व के नक्शे पर देखें तो कैस्पियन सागर के पश्चिम की ओर है यह। यदि विश्व के नक्शे पर इसको देखा जाए तो कैस्पियन सागर के पश्चिम की ओर है। देखिए गलत है, ये कैस्पियन सागर के पश्चिम की ओर नहीं है। कैस्पियन सागर तो यहाँ है और एरल सी यहाँ है, तो ये पूरब की ओर है, तो गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, तो एलिमिनेट कर दो। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। आंसर हो जाएगा केवल एक और दो। तो देखिए, एरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है। यह अपने कुल क्षेत्रफल, जो इसका क्षेत्रफल था ना 64,000 किलोमीटर, तो उसका केवल 10% ही बचा है, और यूपीएससी ने प्रश्न कर चुकी है, लेकिन और डीप नॉलेज अभी भी न्यूज़ में है ये, तो फिर से इसको पूछा जा सकता है। और क्या, देखिए, यदि विश्व के नक्शे पर इसको देखें तो कैस्पियन सागर के ये पूरब में है, ना कि पश्चिम में। वर्तमान में इसकी स्थिति एक सूखे रेगिस्तान के जैसे हो गई है, जिसमें पानी के स्थान पर बालू ही बालू और नमक ही नमक है। हवा के द्वारा यह नमक भरी धूल पूर्वी जापान और पश्चिमी यूरोप के आसपास के क्षेत्रों में बीमारी का कारण बन रही है। तो देखिए, कभी ऐसा दिखता था ये एरल सी 1989 में, फिर 2018 तक ये इस तरह का, और इस बार 2019 में तो इसकी तस्वीर कुछ इस तरह से हो गई है। 10% ये बचा था अपने टोटल का, और अब तो देखिए 10% से भी ख़त्म होने वाला है। तो यूपीएससी ने यहाँ से प्रश्न कर लिया था, इसके टोटल का 10% ही बचा है। तो देखिए, 1989 में हालत ये थी, 2018 में ये, और अभी हाल ही में ये हालत हो गई है। इसमें कुछ बचा ही नहीं है, यहाँ रेत ही रेत है बस, और यहाँ की जो जलीय मछलियाँ उनकी सब दम तोड़ रही हैं वो। अगला प्रश्न है, उस हिमालयी देश की पहचान कीजिए जिसने विस्तृत भौगोलिक जानकारी एकत्र करने के लिए, क्या करने के लिए, विस्तृत भौगोलिक जानकारी एकत्र करने के लिए अपना पहला जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। क्या नाम है उस? अब पहले तो ये देखो, इनमें से हिमालयी देश कौन कौन से हैं। देखिए, भारत भी एक हिमालयी देश है, नेपाल भी हिमालयी देश है, भूटान भी एक हिमालयी देश है, श्रीलंका हिमालयी देश नहीं है, तो इसको कर दो एलिमिनेट। और पहला तो भारत ने तो बहुत सारे कर दिए हैं, अब पहला या तो भूटान होगा, नेपाल होगा, तो इसका जो आंसर है हाल ही में भी न्यूज़ में था वो है नेपाल। नेपाल सैट वन ने, नेपाल ने अपना नेपाल सैट वन नामक जो उपग्रह है, सेटेलाइट है, पहला अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया, इंपॉर्टेंट है ये। और श्रीलंका ने किया रावणा वन, लेकिन श्रीलंका हिमालयी देश नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन देख लो, देखो हाल ही में नेपाल ने अमेरिका से अपना पहला उपग्रह नेपाली सैट वन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नेपाल एकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी NAST के मुताबिक, नेपाल के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए इस उपग्रह को अमेरिका के वर्जीनिया से प्रक्षेपित किया गया। नेपाली सैट वन को पृथ्वी की निचली कक्षा में, मतलब पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर दूरी पर स्थापित किया जाएगा, मतलब कर दिया गया है। और नेपाल की भौगोलिक जानकारी एकत्र करने के लिए यह उपग्रह नियमित आधार की तस्वीरें लेगा। तो नेपाली सैट वन है नेपाल का और रावणा वन है श्रीलंका का, याद रखना। अगला प्रश्न है, उस देश की पहचान कीजिए जिसकी सीमा पूरब में एजियन सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और पश्चिम में मिलती है आयोनियन सागर से। कौन सा है वो देश जिसकी पूरब में सीमा एजियन सागर से मिल रही है, दक्षिण में मेडिटेरियन या भूमध्य सागर से मिल रही है और पश्चिम में मिल रही है आयोनियन सागर से?
तो ट्यूनिशिया नहीं है, ईरान नहीं है, लेबनान नहीं है, इसका आंसर है ग्रीस। ग्रीस हाल ही में न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ से मिली है एक मूर्ति। किसकी मूर्ति है? वो सिकंदर महान की मूर्ति ग्रीस के एथेंस में लगाई गई है, मिली नहीं है, सॉरी। तो ग्रीस के पूर्व में एजियन सागर, दक्षिण में भूमध्य सागर और पश्चिम में आयोनियन सागर इसकी सीमा पर स्थित है। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि सिकंदर महान की जो मूर्ति है वो एथेंस में लगाई गई है, जो कैपिटल है उसकी, ग्रीस की। अगला प्रश्न है, उस देश की पहचान कीजिए जिसने भारत के प्रधानमंत्री को अपने देश का सर्वोच्च पुरस्कार, और पुरस्कार का नाम क्या, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू एपोस्टल प्रदान किया है। क्या नाम है पुरस्कार का? ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू एपोस्टल। किसने दिया है इनमें से? चीन ने, ऑस्ट्रेलिया ने, यूएसए ने या रूस ने? तो देखिए, ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू एपोस्टल ये रूस का प्राइज़ है जो पहले बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री को मिला, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। तो रूस ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के, जो देश का उनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, दिया है। यह अवार्ड उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो रूस के साथ संबंधों को मजबूत बनाने में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान करते हैं। भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए उन्हें ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान पाने वाले नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे, जबकि इससे पहले चीन के जो राष्ट्रपति हैं ना, सी जिनपिंग, उनको यह सम्मान मिल चुका है। करंट न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट है, पूछी जा सकती है। अगला प्रश्न है, उस देश की पहचान कीजिए जिसके साथ भारत संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण का संचालन करता है। बताइए किसके साथ करता है इंडिया वरुण का संचालन? देखिए, ये करता है फ्रांस के साथ। किसके साथ? फ्रांस के साथ। और इंद्र का जहाँ नाम आ जाए तो आँख मीच के लगा देना, रूस। तो वरुण और भारत के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है, भारत और फ्रांस के बीच एक नौसैनिक अभ्यास है जिसका नाम है वरुण। तो देखिए, भारत और फ्रांस 1 मई 2019 से गोवा में, कहाँ करेंगे? गोवा में, मतलब कल से होगा ये, नौसैनिक अभ्यास वरुण का संचालन करेंगे। दोनों देश क्रमशः MiG-29 और राफेल M-9 सैनिक लड़ाकू जेट विमानों के साथ अपने विमान वाहक INS विक्रमादित्य और FNS चार्ल्स डी गॉल के साथ इस अभ्यास में भाग लेंगे। भारत का है विक्रमादित्य, INS विक्रमादित्य, और फ्रांस का होगा FNS चार्ल्स डी गॉल। संयुक्त द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण की शुरुआत सबसे पहले 2000 से शुरू हुई थी। कितने साल हो गए? देखा जाए तो 19वां साल है ये, जब 2000 से शुरू हुई थी। तो अगला प्रश्न है, देखिए, उस जगह की पहचान कीजिए जहाँ दुर्लभ नाम क्या है? यांगत्जी जायंट सॉफ्ट सेल टर्टल, यांगत्जी जायंट सॉफ्ट सेल टर्टल, यांगत्जी जायंट सॉफ्ट सेल टर्टल की एक अंतिम प्रजाति बची थी जो मादा प्रजाति थी, और वो इंडेंजर्ड थी और उसकी भी मृत्यु हो गई, संकटग्रस्त थी, उसकी भी मृत्यु हो गई। यह है उसका फोटो, और पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो ये कहाँ थी? तो ये चीन में थी, अंतिम बची थी, इंडेंजर्ड प्रजाति थी सॉफ्ट सेल टर्टल की, यांगत्जी जायंट सॉफ्ट सेल टर्टल। उम्मीद है याद हो गया होगा। तो देखिए, दुर्लभ यांगत्जी जायंट सॉफ्ट सेल टर्टल की अंतिम मादा की चीन के एक चिड़ियाघर में मृत्यु हो गई है। यह मादा पूरी दुनिया में शेष बचे ज्ञात यांगत्जी जायंट सॉफ्ट सेल टर्टल में से एक थी। इसी चिड़ियाघर में एक नर यांगत्जी जायंट सॉफ्ट सेल टर्टल भी है। अन्य दो टर्टल वियतनाम के चिड़ियाघर में हैं। यह प्रजाति दुनिया के सबसे लुप्त प्रायः टर्टलों में से एक है। प्राकृतिक आवासों का हार्स और बड़े पैमाने पर शिकार की वजह से आज इस प्रजाति के अस्तित्व संकट में है। मतलब जो अंतिम मादा थी उसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन अभी जो इसका मेल है वो बचा हुआ है, वो कहाँ पर है? वियतनाम में। दो टर्टल बचे हैं वियतनाम के एक चिड़ियाघर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, मधुबनी पेंटिंग के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, इम्पॉर्टेंट है। जैसे मधुबनी पेंटिंग हो गई, कलमकारी पेंटिंग हो गई, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। तो इस चित्रकला में धर्मनिरपेक्ष विषयों को दर्शाया गया है। धर्मनिरपेक्ष विषय क्या होते हैं? कि राज्य का कोई धर्म नहीं है, जैसे कहा गया है भारत के संविधान में, तो गलत है। देखिए, धर्मनिरपेक्ष नहीं है, इसमें धर्म से संबंधित बहुत सारे विषय हैं।
इन चित्रों को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में, करेक्ट है। दूसरा करेक्ट है, केवल ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है, ये धार्मिक प्रकृति के चित्र हैं। तो देखिए, ये चित्र प्रकृति में दो आयामी हैं, मतलब एक और सामान्य विषय को दर्शाते हैं, तो जो आमतौर पर हिंदुओं के धार्मिक रूपांकनों जैसे कृष्ण के बारे में, राम दुर्गा को डबल लाइंस बॉर्डर में चित्रित करते हैं। तो पहला तो सही गलत हो गया, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष तो है नहीं जब इन सब की बात करते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि रामायण काल में इसकी उत्पत्ति हुई, क्योंकि यह कला मधुबनी शहर के आसपास एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित है, इसलिए इसे भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है। इसे मिथिला कला भी कहा जाता है, नाम याद रखना, इसे मिथिला कला भी कहा जाता है, क्योंकि यह बिहार के मिथिला क्षेत्र में फली फूली। इन चित्रों को चावल के पोस्ट और वनस्पतियों के रंगों का उपयोग करके दीवार पर बनाया जाता है। इस चित्रकला में मुख्यतः जगदम्बा देवी, बुआ देवी, सीता देवी को चित्रित किया जाता है। नाम याद रखना, जगदम्बा देवी, बुआ देवी और सीता देवी को चित्रित किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये मधुबनी पेंटिंग, पढ़ लो इसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश भारतीय हस्तशिल्प वस्तुओं के आयातक हैं? भारतीय हस्तशिल्प वस्तुओं के आयातक हैं, मतलब जितने भी भारतीय हस्तशिल्प वस्तुएं होती हैं उनको वो खरीदते हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात, जर्मनी, सभी हैं देखा जाए तो। करेक्ट है चारों के चारों, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हो जाएगा। इनके अलावा और भी बहुत सारे देश हैं, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका भी है, संयुक्त अरब अमीरात भी है, यूनाइटेड किंगडम भी है, जर्मनी है, फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, नीदरलैंड है, इटली है, कनाडा है, जापान है, स्विट्ज़रलैंड है। भारत से धातुओं की बनी वस्तुओं जैसे काठ की बनी वस्तुओं, हस्त मुद्रित वस्तुओं और काशीदारी की वस्तुओं जैसे कि हस्तशिल्प वस्तुओं का आयात करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कपड़े पर हाथ की कढ़ाई और यह है उससे संबंधित राज्य। तो देखिए, जरदोरी उत्तर प्रदेश, लखनऊ की जरदोरी फेमस है, तो करेक्ट हो जाएगा यह। तो काशीदाकारी कहाँ की है, देखिए काशी से याद रख लो कश्मीर, तो ये भी करेक्ट है। काठ पश्चिम बंगाल, तो ये भी करेक्ट है। तो कपड़े पर हाथ की कढ़ाई में काठ पश्चिम बंगाल है, काशीदाकारी जम्मू कश्मीर और जरदोरी लखनऊ की जरदोरी तो पता ही होगा उत्तर प्रदेश, तो तीनों के तीनों सही हैं। तो देखिए, कपड़े पर धागे से हाथ की कढ़ाई की जाती है, कपड़े पर धागे से हाथ की कढ़ाई की जाती है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की जरदोरी, पश्चिम बंगाल की काठ और पंजाब की फुलकारी भी याद रखो, और कश्मीर की काशीदाकारी जैसी कई लोकप्रिय कढ़ाइयाँ हैं। मतलब कपड़े से धागे पर हाथ से कढ़ाई करना, तो एक तो जरदोरी में हो गया जो उत्तर प्रदेश की, एक काठ हो गया जो पश्चिम बंगाल की, एक फुलकारी कहाँ की है पंजाब की याद रखो, और काशीदाकारी कश्मीर की याद रखो, इम्पोर्टेंट है पूरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, यह हैं जनजातियाँ, यह हैं इनसे संबंधित राज्य। पहली है रियांग जनजाति, उसके सामने लिखा त्रिपुरा। दूसरी है अपतानी जनजाति, उसके सामने लिखा हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश। देखिए, अभी कुछ समय पहले मैंने एक टेस्ट कराया था, 4-5 दिन पहले, अभी एक महोत्सव मनाया गया था, गरिया पूजा महोत्सव। गरिया पूजा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में मनाया जाता है। त्रिपुरा में कौन सी जनजाति मनाती है गरिया पूजा महोत्सव? तो त्रिपुरी और रियांग जनजाति मनाती है। अभी हाल ही में मनाया गया है रियांग और त्रिपुरी जनजाति के द्वारा। क्या होता है गरिया पूजा? उसमें देखिए, ये होता है बांस का पेड़ होता है, इस पर फूल माला चढ़ा के इसके चारों तरफ गोल गोल घूम के इसकी पूजा करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, इस तरह से UPSC प्रश्न बना सकती है। तो रियांग जनजाति त्रिपुरा की है, याद रखिए, सही है ये। और अपतानी जनजाति भी अरुणाचल प्रदेश की है, तो दोनों के दोनों कथन यहाँ पर सुमेलित हैं। तो देखिए, रियांग त्रिपुरा की 21 अनुसूचित जनजातियों में से एक है। ये ब्रू भाषा की रियांग अथवा रिंग बोली बोलती है, ये ब्रू भाषा की रियांग अथवा रिंग बोली बोलती है, जो कि तिब्बत बर्मी मूल निवासी हैं। कहाँ के हैं? तिब्बत और बर्मा के मूल निवासी हैं रियांग जनजाति। इस जनजाति के द्वारा हाल ही में गरिया पूजा महोत्सव मनाया गया है, ये याद रखना लाइन। अपतानी अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी में रहने वाली एक आदिवासी समूह है, ये तानी नामक एक स्थानीय भाषा बोलते हैं। कौन सी भाषा बोलते हैं? तानी नामक स्थानीय भाषा बोलते हैं, और सूर्य एवं चंद्रमा की पूजा करते हैं। ये एक स्थायी सामाजिक वानिकी प्रणाली का पालन करते हैं। अलग से भी प्रश्न इस तरह से बनाया जा सकता है, फॉर एग्जांपल नीचे 4 जनजातियाँ दे देगा और ऊपर से शुरू कर देगा क्वेश्चन बनाकर,
कि ये अरुणाचल प्रदेश की जीरो घाटी में रहने वाली एक आदिवासी जनजाति है। ये तानी नामक एक स्थानीय भाषा बोलते हैं। सूर्य और चंद्रमा की पूजा करते हैं। ये एक स्थायी सामाजिक वानिकी प्रणाली का पालन करते हैं। तो उपर्युक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस जनजाति का वर्णन करता है? चार ऑप्शन दे देगा, रियांग जनजाति, अपतानी जनजाति, टोडा जनजाति और भील जनजाति। तो आपको आंसर मारना है वहाँ पर अपतानी जनजाति। तो 10 के 10 प्रश्न देखिए कंप्लीट हो गए। अच्छे से इनको रिवीजन कर लो। बेल आइकन को प्रेस करना वो लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।